हाय दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल, फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम बात करने वाले इस वीडियो आप लोगों के साथ एसएससी जीडी 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस। जी हां, तो आप लोग का 30 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर आप लोग हो चुका है। इससे रिलेटेड हम बिल्कुल ए टू जेड हम क्वेश्चन डिसाइस करने वाले, ठीक है, एनालिसिस करने वाले कैसा आप लोग का पेपर हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिसाइस करेंगे विद आप लोग का आंसर के साथ। ये नहीं कि सिर्फ लोग क्वेश्चन डिसाइस करें, विद आप लोग का आंसर के साथ डिसाइस करेंगे और आप लोग का उस रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कितना क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं फोकस साल एग्जाम को, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को, देखिए कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो कब आए थे ये आप लोग आए थे 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, आए थे भारत में 1915 में, 9 जनवरी 1915 में कब गए थे ये आप लोगों को याद रखना। डेट 1893 में गए थे। ठीक है, तो 1893 में गए थे। उस टाइम जब गए थे वो 24 साल के थे, जब आए थे अब वो 45 साल के थे। ठीक है, तो गए थे तो 24 साल के थे, नौजवान अब 45 साल की उम्र में आए थे। मतलब कितने साल रहे वहाँ पर आप लोग, किस साल तक रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दो नंबर की पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था। तो मैं आप लोग को बार बार बता रहा था पंचवर्षीय योजना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में और आने वाले एग्जाम शिफ्ट में पूछा जाएगा। बिल्कुल आप लोग को लिख के चलिए पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। तो ये आप लोग कब शुरू किया गया था, 1951 में शुरू किया गया था आप लोग का, ये 5 वर्ष के लिए होता है। तो कब तक खत्म किया गया था पहला पंचवर्षीय योजना, तो 1956 में खत्म हुआ था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना पूछ देते कब हुआ था, ये आप लोग सिर्फ जोड़ देना है इसमें 5 वर्ष, 56 को 5 और जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। 1961 में आप लोग का ये पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है, 56 से लेकर 61 तक आप लोग का दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था। एक पहला आप लोग का 1951 से लेकर 56 तक हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोग जोड़ते चलेंगे। टोटल पंचवर्षीय योजना पूछे कितना हुआ था, तो 13 हुआ था। 13 कब हुआ था, ये 2017 में हुआ था। ठीक है, तो लास्ट 13 पंचवर्षीय योजना अब तक हुआ है। और दोस्तों बता दें पंचवर्षीय योजना को चेंज करके क्या हो गया, आयोग योजना। ठीक है, तो आयोग योजना कर दिया गया है, जो कि आप लोगों को नीति आयोग द्वारा ये हैंडल मतलब आप लोगों को चलाया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ दे तो आप लोग क्या बताओगे, नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते, प्राइम मिनिस्टर होते, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो इस टाइम दोस्तों इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इससे रिलेटेड आप लोग का, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है। सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, चिनाब नदी है। ठीक है, तो इसी प्रकार याद देख लिए। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी आप लोग क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सब कुछ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, तो ये मैं आप लोग का पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, इससे देखिए फंस गया क्वेश्चन एक और, जगदीश धनखड़ है। ठीक है, तो याद रखना। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, 6 नंबर के लोकसभा में कुल कितने सीट हैं, तो लोकसभा में आप लोग का 543 सीट है। ठीक है, तो लोकसभा में कितने सीट है, 543। अब इसी प्रकार पूछ दे कि राज्यसभा में कुल कितने सीट है, तो आप लोग का 250। ठीक है, तो 250 सीट है याद रखना। 12 आप लोग का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे 7 नंबर क्वेश्चन, साहित्य के पुरस्कार 1954 में किसको मिला था, तो ये आप लोग का शिव मंगल सिंह सुमन को मिला था। ठीक है, तो साहित्य पुरस्कार। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता कौन से राज्य है, तो ये आप लोग का सबसे कम पूछा है तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार। अब सबसे ज़्यादा आप साक्षरता पूछ दे तो आप लोग केरला हो जाएगा। ठीक है, तो केरला याद रखना, केरला। ठीक है, जो बता सबसे जनसंख्या किस राज्य की थी, तो बता देना आप लोग का यूपी के थी। ठीक है, तो यूपी की। इसी पर सबसे कम राज्य किसकी है, तो आप लोग जनसंख्या किसकी है, तो सिक्किम की दोस्तों, सिक्किम की। ठीक है, तो सिक्किम की। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब जनगणना होती 2011 में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछ रहे, घनत्व। ठीक है, ना कि आप लोग जनसंख्या, सिर्फ घनत्व। तो घनत्व किस राज्य में सबसे कम, अगर सबसे ज़्यादा पूछे घनत्व तो किस राज्य में, तो आप लोग बता देना सबसे बिहार। ठीक है, तो बिहार आता है घनत्व। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो बिहार आता है। और सबसे कम पूछे जनसंख्या घनत्व, तो आप लोग कौन सा आता है, कौन सा घनत्व आता है, तो ये आप लोग आ जाता है गोवा आता है। ठीक है, तो गोवा। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 9 नंबर के मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था संविधान में, तो मैं आप लोग को बार बार बताया था मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हर एक चीज आप लोग को बता दिया था, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, बिल्कुल बता दिया। देखिए क्वेश्चन फंस गया आप लोग का, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, ये 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। और पूछ देखा आप लोग का किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वें, मतलब
42 संविधान में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बन सकता है, मौलिक कर्तव्य मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग का, देखिए रट के जाइए, पढ़ के जाइए, जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में आ रहा है, हर डे आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, देखिए आप लोग को बता देना, रूस से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, पीएम, तो इंदिरा गांधी थी। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बन सकता है, इंदिरा गांधी थी जी दोस्तों, इंदिरा गांधी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था कितना था उस टाइम, उस टाइम आप लोग को 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 11 है, वर्तमान में कितने हैं 11 है, और 10 से 11 कब हुआ, कब हुआ, तो ये 2002 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 2002 में हुआ था। अगर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन जाए कि 2002 में कौन पीएम थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये आप लोग आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है दोस्तों, लिख दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी आप लोग को याद रखना, ठीक है। कहीं से पूछे आप लोग को बता देंगे। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य 11 क्या जोड़ा गया था, जैसे क्या जोड़ा गया था, ये आप लोग जोड़ा गया था 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों, शिक्षा देना अनिवार्य है, ये आप लोग का जोड़ा गया था संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखना। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, तेलंगाना तेलंगाना राज्य को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तेलंगाना राज्य को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था, ये दिया गया था आप लोग को 2 जून 2014 में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए आप लोग का एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, 10 वर्ष के लिए ये आप लोग का तेलंगाना राज्य का मतलब राजधानी कहाँ आएगा, तो आप लोग का हैदराबाद, 10 वर्ष के लिए हैदराबाद, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना 10 वर्ष के लिए हैदराबाद राजधानी कर दिया गया है, तेलंगाना अलग राज्य मतलब दर्जा कर दिया गया है, पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था बट आप लोग का ये ठीक है, अब इसका राजधानी क्या है, हैदराबाद, 10 वर्ष के लिए आप लोग का हो गया, ठीक है। तो ये रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बता दिया, A to Z आप लोग बता दिया सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी PDF डाउनलोड करने के फर्स्ट आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जाकर आप लोग का ज्वाइन होकर आप लोग का PDF बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो आप लोग का लाते रहेंगे आप लोग का एनालिसिस से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि जय हिंद जय भारत।